नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। बहुत ही छुपा रुस्तम आप लोगों ने कर लिया। छुपी रुस्तम तो मैं थोड़ी हूँ। मेरा मानना है कि पहले चीजें कर लो फिर बताओ। और अब ऐसा कोई हीरा टाइप का जो लड़का मिल रहा है तो अच्छा लड़का मिल रहा है तो थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट शादी कर लेते, बाद में सबको बताऊंगी, वरना लड़का जैसे ही आप लोगों ने सोशल मीडिया में आपने पोस्ट किया तो बिहार और यूपी के लोग काफी वो हो गए, मतलब कि ये कब हो गया, मतलब कुछ खबर नहीं आई, डेटिंग की खबर नहीं आ रही थी, कुछ खबर नहीं आ रही थी और डायरेक्ट शादी हो गई। तो ये हाँ, जैसे मैंने अपने ऑफिस इनॉग्रेशन के इंटरव्यूज में भी बोला था, हम दोनों सेम मेंटालिटी के हैं। आगे हम दोनों को डेटिंग वगैरह करनी नहीं थी, हमने सोचा था सबको शादी के बाद करेंगे, तो इन्हें भी शादी करनी थी, मुझे भी शादी ही करनी थी, तो हमने सोचा चलो शादी कर लेते हैं। एंड सीजन चल रहा था आजकल शादी का, सब शादी कर रहे हैं, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण एंड नेहा धूपिया सबने शादी करी है, तो हमने भी सोचा चलो हम भी शादी कर लेते हैं, सीजन चल रहा है, इससे अच्छा सीजन नहीं मिलता। तो सर आपको कब लगा कि हाँ यही मेरी पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर के बाद आपको कब लगा हाँ मुझे ही रहना है अभी? एक्चुअली जब स्टार्टिंग में मुझे मिली थी तभी मैंने इनकी कुछ चीज़ें नोटिस की थी, जिसमें मुझे लगा था कि ये एक अच्छे बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती है। मैंने मौका देखा और मौका देख के चौका मार दिया, मैंने सीधा प्रपोज किया शादी के लिए, मुझे डेटिंग वेटिंग करनी नहीं थी। ओके, जैसे कि लास्ट टाइम हमने आप इंटरव्यू हुआ था इनॉग्रेशन के दिन, उस टाइम तो आपने कुछ बताया नहीं मीडिया को, हमने तो आपसे पूछा भी था कि आर यू डेटिंग और नॉट, तब तो आप तो चुप रहे। सही टाइम का वेट कर रहा था। तो ये मतलब हमने झूठ बोला था पहले कैसे? अच्छा बोल रही है, बोल हां इन्होंने झूठ बोला था, झूठ बोला था, सब छुपाया था। तो मतलब आप उससे पहले से आप डेट कर रहे थे दोनों, मतलब प्रपोज कर लिया था आपने? बिल्कुल, एक्चुअली ये कह सकते हैं हम दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे थे, देख रहे थे कि साथ में हम कितने कंफर्टेबल हैं, काम करने में तो ऑब्वियसली बात है कंफर्टेबल थे तभी आगे बढ़े, बट लाइफ में भी जब हम दोनों ने ये फील किया कि हम दोनों कंफर्टेबल हैं और एक दूसरे के लिए ही हैं, तो फिर हमने सोचा आप लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, मौका लेके चौका मार दो। एंड वी कैन से लाइक लाइफ पार्टनर्स और आपके बिजनेस पार्टनर हमेशा एक नहीं होते हैं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंपटीशन आ जाता है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और जेलस की फीलिंग टाइप हो जाती है। तो हम काम तो काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं साथ में, तो हमने वो पहले से ही चेक कर लिया था कि हम दोनों में कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई ऐसी जेलसी नहीं है। इवन हम हमेशा टीम वर्क के जैसे काम कर रहे थे, टीम के जैसे, ये अगर कुछ और कर रहे होते थे तो मैं कुछ और कर रही होती थी एक प्रोजेक्ट के लिए, एंड एज इट इज़ हम फैमिली के लिए भी चीज़ें कर ही रहे थे। लाइक ये मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाती या कुछ होता है और मैं इनके मम्मी पापा को हैंडल कर लेती हूँ, तो लाइक हम लोग मेड फॉर ईच अदर है, हमेशा एक दूसरे को फुल करते आए हैं, कंप्लीट करते हैं हम लोग एक दूसरे को हमेशा। तो हमने सोचा कि चलो फिर ठीक है ना, कि जब हम कर ही रहे हैं एक दूसरे के लिए इतना सब कुछ तो शादी भी कर ही लेते हैं, एटलीस्ट हम एक बॉन्ड रिलेशनशिप में हो जाएगी, एक कमिटमेंट होगा हमारे बीच। और डेफिनेटली मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगता है एंड मैं बहुत फ्री फील करती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं शूट नहीं करूँगी, एक्टिंग नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे टोटल फ्रीडम मिली हुई है पहले से। तो जैसे कि पहले से ज्यादा फ्री हो गई हूँ। तो ये ऐसा मीडिया को नहीं बताना, ये पीआर की तो स्ट्रेटेजी नहीं थी आपने कि मीडिया को नहीं बताना है, चुपके से शादी करना है, पीआर ने तो नहीं बोला था आपको? ऐसा नहीं है, अगर पीआर ने पीआर को भी मैंने कुछ मैं बहुत मेहनत जैसे ही मैंने बताया, मेरी पीआर पर्सन जो शाली सिंह है उसने सबसे पहले लाइव वीडियो करा, उसने मेरी शादी में बहुत इंजॉय करा, बहुत मस्ती करी, उसने मेरी शादी में डांस करा हमारे साथ में, और वो मेरी पीआर पर्सन से ज़्यादा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उसने तो सबसे पहले लाइव वीडियो करा, उसके लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी, उसको तो बहुत मज़ा आया इन सब चीज़ों को लेकर हमारी शादी से तो व्हाट वाज योर रिएक्शन भोजपुरी इंडस्ट्री से या टीवी इंडस्ट्री की तरफ से क्या रिएक्शन आया, कि उनको आप लोगों ने किसी को बताया था कि हमें शादी करने जा रही है लखनऊ में? नहीं नहीं किसी को नहीं बताया था, नहीं पहले हमने किसी को नहीं बताया, फर्स्ट जब सब डिसाइड हो चुका था, जब कार्ड छपे तब हमने शादी के लिए
कंपनीज लाइक लोगों को इन्विटेशंस भेजे. इंडस्ट्री ऐसे वहाँ पर लोग इसलिए नहीं गए और हमने इनवाइट भी नहीं कर पाया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमने सब कुछ प्लान करा, प्लस वो फैमिली वाले सारे थे, सारे रिलेटिव थे वहाँ पर, तो सेलिब्रिटीज़ यहाँ से जाते तो थोड़ा और गैदरिंग बढ़ जाती है, अच्छा लगता. बट हम बाहर शादी करके आए हैं, अभी तो हम वापस मुंबई आ चुके हैं, बाहर शादी करी है तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग का इशू होता और सारे लोग शूट भी कर रहे थे, तो हमने फैमिली के साथ शादी करी. अब हम मुंबई में अपने सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, मस्ती करेंगे उनके साथ भी, अपना एक फंक्शन उनके साथ भी हम इन्जॉय करेंगे. किस तरह की शुभकामनाएं आई, क्या पवन सिंह, केसारी लाल, इन लोगों से कोई शुभकामनाएं आई है, रवि किशन जी से? सब मुझसे बहुत गुस्सा है, कह रहे हैं कि बताया नहीं है और मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, सब मुझसे बोल रहे हैं अरे हम आते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम नहीं आते हैं, सब बहुत गुस्सा है मुझसे एक्चुअली अभी तो फिलहाल. तो सबसे ज्यादा कौन गुस्सा है? ओके, आप बताइए कैसा रहा है शादी वाला, लखनऊ में हुई शादी तो कितना मतलब प्रिपरेशन हुआ कुछ शादी का, थोड़ा कुछ बताइए. आपके फ्रेंड्स कितने, उनको भी बताया नहीं था जैसा मैम ने? नहीं, सबके लिए शॉकिंग था, मैंने किसी को नहीं बताया था. इवन मैंने अपने जो मेरे जो बहुत स्पेशल फ्रेंड्स हैं उनको मैंने दो दिन पहले इनवाइट किया, उनके लिए बिल्कुल शॉकिंग था, बट सबने बहुत इंजॉय किया. और स्पेशली मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ एक्सपीरियंस की जो मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था, जैसे मैं डांस नहीं करता हूँ बट मैंने अपनी शादी पे बहुत डांस करा. एंड मींस आई वाज सरप्राइज कि वाओ मैन, ये बंदा मेरे लिए डांस भी कर सकता है, इन्होंने मेरे लिए कुछ बहुत, आई लव यू. तो मैं मान सकूं तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है नचबलिए में? हाँ, स्टार प्लस के शो में दोनों डांस करते हुए डेफिनेटली हो सकती है. आप लोग करना पसंद करेंगे नचबलिए शो? क्योंकि आजकल बिल्कुल, मैंने अभी बोला ना इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो आप करना चाहिए सलमान खान अगर बुला दे तो? 100% अगर मेरे सलमान खान बुलाएंगे तो, मेरा तो क्रश भी है मैं, और इन्होंने मुझे परमिशन दे रखी है सलमान खान के लिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इससे अच्छा पति मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी जिसने मुझे सारी परमिशन दे रखी है. ओके फाइन, तुम अफेयर भी चला लो, आई डोंट माइंड. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है. इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, तो जैसे कि आप मुंबई में कुछ रिसेप्शन होने वाला है, क्या होने वाला है सेलिब्रिटी में? हाँ, मुंबई में मैं बहुत जल्दी पार्टी रखूंगी, अपने सारे सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स सबको बुलाऊंगी. और आप उसे रिसेप्शन नहीं बोल सकते क्योंकि वेडिंग रिसेप्शन अपने लखनऊ में हो गया है हमारा, अब हम एक अच्छा गेट टुगेदर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे और डेफिनेटली मीडिया भी आएगी उसमें. ओके, आज यहाँ पे फोटो शूट हुआ है तो कोई आने वाली प्रोजेक्ट, कोई फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहिए? आप फिल्म कर रहे हैं आप कोई? हाँ, मैं अपने सेम प्रोडक्ट अपने प्रोडक्शन हाउस से पिक्चर कर रही हूँ और उसका जो लुक होगा वो कुछ ऐसे ही होगा, वो गांव की एक लड़की है, अभी मैं ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊँगी, बट हाँ उसका जो एक लुक होगा वो ऐसे ही होगा और ये कपड़े राम ने डिज़ाइन करे हैं और ब्रोंज स्टूडियो का ये फोटोशूट चल रहा है, उसी के लिए चल रहा है, और शुभम हमारा फोटोग्राफर है और राम ने कपड़े मेरी फिल्म के कैरेक्टर के लिए एक्चुअली डिज़ाइन करे हैं जिसके लिए आज वो फोटोशूट कर रहे हैं. तो ये कब तक शूट चालू होगा कुछ या? वो जल्दी हो जाएगा, ऑन फ्लोर जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हिंदी पिक्चर है और उसके लिए हमारी पूरी प्रिपरेशन चल रही है, जैसे ही फ्लोर पर जाएगी हम आपको बताएंगे. मतलब शादी होते ही डायरेक्ट काम चालू कर दिया आप लोगों ने, मतलब बाहर गए नहीं, घूमने नहीं गए आप लोग, काम चालू कर दिया, लोग तो दो दो महीना घूमते ही रहते. नहीं नहीं, हमने डिसाइड करा है, पहले तो हमने डिसाइड करा था कि शादी हम काम की बात करेंगे, बट फिर ये हुआ कि फैमिली वाले बोलते हैं अरे तुम लोग इतना अच्छे से रहते हो, शादी कर लो देन काम करो, तो फैमिली वालों की बातें हमें ज़्यादा माननी थी और माँ बाप की बात हमने क्या किया मुंबई आके, करेक्ट ना? तो हमने सबसे शादी कर ली, अब हम पहले काम करेंगे और फिर उसके बाद. ओके, फैंस के लिए क्या कहना चाहिए आपके, आपके फैंस जो काफ़ी थोड़े आपने उनको थोड़ा छुपके से शादी कर लिया तो निराश हो जाते ना? डिमोरलाइज कर दिया मैंने उन्हें, बट टचवुड मुझे सारे फैंस ने बोला मैडम आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, हमारा दिल टूटा है बट हम फिर भी आपके लिए खुश हैं एंड थैंक यू सो मच. मैं अपने फैंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ढेर सारी ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं और हार्डली किसी ने बोला है अरे क्यों शादी कर ली, हार्डली किसी ने बोला है, सबने मुझे यही बोला है मैडम आपने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई है. और एक्चुअली लोग मुझसे पूछते थे मेरी जोड़ी कौन है, मेरी जोड़ी कौन है, नाउ आई कैन से माई जोड़ी इज हेयर विवेक कुमार.
ओके एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, भोजपुरी के रिलेटेड एक सवाल है। रानी चटर्जी अब खतरों के खिलाड़ी करने जा रही है। आप प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।